टिकट। कैसा टिकट? कैसा टिकट? हवाई जहाज का। हवाई जहाज का टिकट यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे? तो किसका मांगना चाहिए? यहाँ तो रेलवे का टिकट मांगना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे का टिकट मांगा जाता है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? लाओ दिखाओ। क्या दिखाओ? टिकट आपने बोला ना। टिकट तो नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। कौन सी गाड़ी से है? गाड़ी से नहीं, रिक्शा से आया। नहीं, रिक्शा रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चलती, पागल मत बनाओ। देखिए भाई साहब, मैं रिक्शा से आया हूँ, घर से आया हूँ, वहाँ बाहर उतरा और यहाँ अंदर आया हूँ। क्या करना? साइट सीइंग? नहीं नहीं, पार्सल लेने के लिए आया हूँ। राजस्थान से मेरे जीआई हैं, उन्होंने पार्सल भेजा रूई। सर्दियाँ आ रही है ना, तो उसके रदाई वगैरह। ये देखिए, ये बिल्टी है मेरे पास। देखिए। नहीं, वो बिल्टी फिल्टी मत दिखाओ, वो प्लेटफॉर्म टिकट दिखाओ। प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? अरे भाई, प्लेटफॉर्म पर खुलेआम घूम रहे हो और पूछ रहे हो प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? मतलब मैं तो पार्सल लेने के लिए, तो पार्सल प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो प्लेटफॉर्म पे ही आऊंगा ना। हाँ, मगर पार्सल रूम का रास्ता बाहर से है। क्या? हाँ, लाओ। नहीं, आपके पास 60 रुपए पेनल्टी दो भाई। पर मुझे पता नहीं था ना। अब मुझे पता था। क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है। नहीं, मैं रेलवे में टिकट के बिना कभी सफर नहीं करता हूँ। आज तो चले ना। वो तो पार्सल लेने के लिए आया ना। तो प्लेटफॉर्म से क्यों? बाहर से आना चाहिए ना। मुझे पता नहीं था ना। मुझे पता था। क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है। लाओ 60 रुपए लाओ। देखिए भाई साहब, को जानबूझ के तो मैंने किया नहीं है, तो गलती हो गई है मुझसे। भाई हमें क्या पता जानबूझ के किया है, गलती से किया है। हम तो पता थे। आ भाई कैसे? ला। मुझे नहीं पता था। क्या कि वो पार्सल रूम का रास्ता बाहर से? वो नहीं नहीं, कि आप 10 रुपए में मान जाएंगे। ये लो। नहीं नहीं, 50 रुपए। नहीं, अभी तो वो आदमी 10 रुपए देके गया ना। वो तो फ्रेंड है ना मेरा, डेली पैसेंजर है, रोज आता जाता है। आप तो आज आए हो, कल नहीं आओगे तो फिर फायदा नहीं है ना। ला, 50 रुपए ला। नहीं नहीं, पर मैं कुछ नहीं। देखो, लीगली तो 500 रुपए फाइन है, या फिर 6 महीना कैद, या फिर दोनों। बोलो, तीनों में से क्या दूं? बोलो। नहीं, तीनों में से कुछ नहीं लूंगा। ये ले। ये भाटिया जी, राजस्थान से एक पार्सल। भाटिया जी, राजस्थान से मेरा एक पार्सल आया। एक्सक्यूज मी भाटिया जी, राजस्थान से मेरा एक पार्सल आया होगा। कमाल है यार, ये भाटिया जी बहरे हैं क्या? भाटिया जी? हाँ, आप कौन? मैं मुसद्दीलाल। ये मुसद्दीलाल पागल है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहरा कहने की? मैं आपको थोड़ा, मैं तो भाटिया को बहरा कह रहा हूँ। तो मैं भी मुसद्दीलाल को पागल कह रहा हूँ। लेकिन मुसद्दीलाल तो मैं ही हूँ ना। हाँ, तो भाटिया भी तो मैं ही हूँ ना। क्या? हाँ। तो फिर ये कौन है? पांडे जी। भाटिया जी सारी एंट्री कर दी सर। वेरी गुड, जरा जाओ समोसे और चाय भी ले आओ। सॉरी भाटिया साहब, वेरी वेरी सॉरी, ये मेरा एक पार्सल आया होगा राजस्थान से। जी नहीं, अभी नहीं आया। आ जाना चाहिए था, 15 दिन पहले वहां से चला। वो जीआई ने मुझे बताया था 15 दिन पहले वहां से चल पड़ा था। कल आके पता करिए। क्या ये यही कि वहां से चला कि नहीं चला? तो कैसे? अरे भाई, या तो वहां जाके पता करिए, या जीजा जी को फोन कीजिए, वो वहां से पता करके बताएंगे। पर वो चल तो चुका होगा ना। अरे नहीं पता भाई। तो आप नहीं बता पाएंगे? अरे हम यहाँ का नहीं बता सकते, तो वहां का कैसे बताएंगे? चाय सर। हाँ ला। तो फिर सर कल मैं खाते वक्त कभी बात नहीं करता। अच्छा, बात सुन तो। जब मैं बात नहीं करता तो मेरे कान भी काम नहीं करते। देखिए देखिए, मुझे सिर्फ समोसे दिखाई दे रहे हैं। फिर कब आऊं? कल आना। अरे कल आप कैसे कह रहे हो यार? आपको तो बात का पता नहीं है, आप बीच में कह रहे हो कल आओ। बात का पता हो जाए ना, हम तो हमेशा यही कहते हैं। क्या? कल आना। हाँ हाँ। ये मैडम भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? अंदर होंगे। अंदर तो नहीं है। तो बाहर होंगे। बाहर तो हम। तो पांडे जी से पूछो। ये पांडे जी कहाँ मिलेंगे? अंदर होंगे। अंदर तो नहीं है। तो भाई बाहर होंगे। तो बाहर तो हम हैं। अरे तो ढूंढो ना, कहीं भी होंगे तो। आप घर से झगड़ा करके आई हैं मैडम? आपको कैसे पता? इतने प्यार से बोल रही थी आप तो, इसलिए। यही तो, मेरी सास तो हमेशा कहती है कि मैं औरत नहीं ज्वालामुखी हूँ। कितना सही कहती है। क्या दिमाग खराब हो गया आपकी सास का? आपको कैसे पता? अब मैडम, जो आप जैसी सुंदर सुशील सुकन्या को ज्वालामुखी कहे तो उसका तो दिमाग खराब होगा ही ना। यही तो, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि सास का चेकअप करा लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि पहले मेरा करा लेते हैं। तो आप चेकअप करा लीजिए ना। किसका? मेरा? नहीं नहीं, आपकी सास का एक डॉक्टर है मेरी जान पहचान का। अच्छा, प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए ना। मैं काम तो आपका कर दूं, मुझे अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो आपका भी कर दूंगा। आपका क्या काम है बताइए ना। ये बात ये मैडम के 20 दिन पहले राजस्थान से मेरे जीजा जी ने मेरे नाम से एक पार्सल भेजा था। भाटिया साहब कहते हैं कि आज तक नहीं पहुंचा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पार्सल तो 3-4 दिन में पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात बताऊं, रेलवे अपना काम बिल्कुल सही करती है, ये कर्मचारी जो होते हैं ना वो कमजोर होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैडम आप जरा देख दीजिए, ये देखिए, ये रही रसीद। देखो ये। अरे नहीं, ये तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ होगा? भाटिया जी खा तो नहीं गए? जी खा नहीं सकते, उसमें जरूरी है मैडम। अरे भाटिया जी तो कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। हाँ, आइए चलिए मेरे साथ अंदर आइए। जी आइए। हम्म,
अरे तुम्हारा पार्सल तो कब का आ जाना चाहिए था? हाँ मैडम, मैंने पता किया था वहाँ से, राजस्थान से। उन्होंने बताया 10 तारीख को राजस्थान एक्सप्रेस में लोड कर दिया था। तो फिर 12 तारीख तक यहाँ अनलोड हो जाना चाहिए था। तो फिर कहाँ गया मेरा पार्सल? या तो फिर कानपुर से पहले अनलोड हो गया, या फिर कानपुर के आगे निकल गया। क्या? यही तो फिर अब मैं क्या करूँ? आप घर भी कह सकते हैं। तो कौन कर सकता है? भाटिया जी। यार पटेल, ये गोमती कब आएगी? अरे यार 3 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई है। अबे मैं जमादारनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोमती ट्रेन की बात कर रहा हूँ। पटेल कब आएगी यार? 2 घंटे लेट है। क्यों, लगेज उतरवाना था? हाँ यार, खबर आई है कि उसमें आम आ रहे हैं, आम। अरे भाटिया जी, भाटिया जी जी। अरे भाई मेरे पार्सल का क्या हुआ? कहाँ किया था पार्सल? राजस्थान से किया था। तो वहीं जाके पता कर लो ना। नहीं नहीं, यहाँ के लिए किया था ना। तो यहाँ पता करो। तो पता करने के लिए तो आया हूँ। क्या पता चला? कहते हैं कि हो सकता है कानपुर से आगे निकल गया हो। आगे निकल गया? हाँ। कानपुर के टिकट पे? हाँ। ओ, फिर तो पेनल्टी लगेगी। तो कैसी पेनल्टी? अरे कानपुर तक की बुकिंग थी, आगे निकल गया तो पेनल्टी लगेगी। पर कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कानपुर से पहले ही उतर गया हो। ऐसा कौन कहते हैं? वो अरे भाई उषा जी कह रही है। और मैं इतना परेशान हूँ, आप कुछ करो ना भाई। अरे यार गुस्सा क्यों होते हो, मैं करता हूँ कुछ। आओ मेरे साथ आ जाओ। ए भाई साहब। हाँ जी। टिकट? कैसा टिकट? हवाई जहाज का। भाई आपको पता है मैं यहाँ पे पार्सल छुड़ाने के लिए आता हूँ। तो पार्सल रूम में रहते ना, प्लेटफॉर्म पे क्यों टहल रहे हो? 500 रुपए पेनल्टी, 6 महीने की कैद। क्या कह रहे हैं भाई आप? हाँ। ये तो गलत बात है, मैं तो भाटिया जी को बुलाने के लिए आया था। अरे तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्यों टहल रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ पढ़ कुछ नहीं, बोलो काटू किसे? रसीद को। अरे रसीद को क्या काटना है, तुम मुझे ही काट लो। ये लो 50 रुपए। ना ना 100। अरे 100 क्यों, पिछली बार तो 50 रुपए दिए थे। पहली गलती के 50, दूसरी गलती के 100, तीसरी के 300। और वो जो रोज गलती करता है उससे तो 10 रुपए लेते हो आप? वो तो रोज के कस्टमर है ना, दे आर फ्रेंड्स। आप भी रोज का बन जाइए, 10 लेंगे तो ठीक है। ए, ए, ये लो 10 रुपए और मुझे रोज का बना लो। ओके गुड। ये लो विदाउट टिकट मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड? हाँ, विदाउट टिकट होल्डर कार्ड। ये फोटो चिपका के नाम भर देना। चलो 1000 रुपए डिपॉजिट कर दो। 1000 रुपए डिपॉजिट? डोंट वरी, रिफंडेबल है। नहीं पर 1000 रुपए क्यों? अरे यार आज 10 दे करके कल नहीं आए तो? रहने दो भाई, तुम रहने दो। ये लो अपनी रसीद, ये लो 100 रुपया और मुझे नहीं बनना है WTHC का मेंबर। हमसे चालाकी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि हमें पता है कि ये कल नहीं आएगा। नहीं शुक्ला जी, एक्चुअली बोलूं ना तो मुझे लगता है कि ये पार्सल के चक्कर में रोज आएगा। भाई साहब पिछले 2 महीने से मैं इस ऑफिस में आ रहा हूँ। भाई साहब आप 2 महीने से आ रहे हैं, मैं पिछले 17 साल से इस ऑफिस में आ रहा हूँ। ये तो आपका काम है ना, तो मेरा ये काम थोड़ा ही है। पार्सल किसका है? पार्सल तो मेरा ही है। तो फिर आपका भी काम हुआ ना। देखिए भाई साहब, बात ये है कि मेरे जीजा जी ने वहां से गर्मियों में भेजा था, ये 2 महीने रह गए हैं सर्दियों में। अगर रजाइयां नहीं बनी तो मुझे तो बहुत ठंड लगेगी भाई। देखिए भाई साहब, हम आपकी मजबूरी समझते हैं लेकिन आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। पार्सल खो गया है भाई, पता करें ना कि कहाँ उतरा। भाई इंक्वायरी चल रही है कि पार्सल कहाँ उतरा। आप बताइए, 15 स्टेशन है और 6 कानपुर से आगे 21 स्टेशन है, अब कहाँ उतरा क्या पता? कहाँ उतरा नहीं बता सकता। हम पार्सल नहीं बता सकता? अरे नहीं यार, मतलब उतारने वाला नहीं बता सकता। पता करें ना। अच्छा ठीक है, तो फिर आउट ऑफ द ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा। आप प्लीज फॉरन आउट ऑफ द वे जाएं। ओके, ऐसे ही? तो ऐसे ही मतलब? अरे यार कुछ खिलाओ बिलाओ। यानी कि हम आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो थोड़ा आप भी आउट ऑफ द वे जाओ। कितने रुई कितनी है? ये 75 किलो है। कितने की है? ऐसी 2000 रुपए की होगी। ठीक है 200 रुपए दे दो। अरे भाई साहब रुई कितनी ज्यादा है, 21 स्टेशन बढ़ते हैं तो। अच्छा चलो ये लीजिए। ठीक है, कल आगे पता कर लेना कहाँ है। कानपुर से 2 स्टेशन आगे निकल गया। क्या कह रहे हैं? हाँ। अरे भाई तो आप लोगों ने उतारा नहीं होगा। ओफो, अब बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा, जो हो गया तो हो गया। अब तो ये बताइए अब क्या करना है। वो तो आप बताइएगा कि क्या करना है, मुझे तो पार्सल मंगवा दें बस। अच्छा ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम स्टेशन पे भिजवा देंगे, फिर वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो हो जाएगी पर ये बताइए पार्सल मिलेगा कब। अरे इस कार्रवाई में महीने तो लगेगा भाई। क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। अरे भाई इतने में तो सर्दियां खत्म हो जाएंगी तो रुई का फायदा क्या होगा? आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो? हाँ जी। तो फिर दूसरों के फायदे के बारे में सोचिए। कर भला तो हो भला। क्या करना होगा? 500 रुपए पांडे जी खुद जाके जो है ले आएंगे पार्सल। 500 रुपए बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ज्यादा है, 100 रुपए तो आने जाने में लग जाएंगे। उसके बाद TA DA। अरे तो TA DA मैं क्यों दूंगा, गलती आपकी है, रेलवे देगा TA DA।
रेलवे तो देता ही है आपकी गलती का। हाँ वरना आपका पार्सल आगे कैसे पहुंचता? नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा। करो ना कंप्लेन, ये है कंप्लेन बॉक्स। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है? किसकी, पार्सल की? नहीं नहीं कंप्लेन की है ना, बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है? यही कि आपकी कंप्लेन बॉक्स में जाएगी कि नहीं जाएगी, वहाँ ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है, सालों से उस बॉक्स को किसी ने खोल के नहीं देखा। अच्छा इसीलिए मुझसे कह रहे थे कंप्लेन। देखो भाई कोई और तरीका निकालो ना प्लीज। 500 रुपए? 500 रुपए बहुत ज्यादा है, 700 रुपए मैं पहले से खर्च कर चुका हूँ, 2000 रुपए की तो हुई है। आपने कौन सी खरीदी है? आपको तो फ्री की पड़ी है। आपको कैसे पता? जीजा जी ने भेजी है, पैसे थोड़ी लिए होंगे। तो है तो लाओ 500 रुपए दो। अरे 1200 रुपए में 2000 की रुई बुरी नहीं है, और सिर्फ रेलवे के भरोसे रहोगे ना तो अगली सर्दी तक भी रजाई नहीं बनेगी। ये लीजिए, ये लो, ये ले, ये ले। हाँ बस कल आके रूई के बारे में पता कर लूँ। नहीं ले ही आना। अच्छा धन्यवाद, थैंक यू। कैसा, ये तो हमारा फर्ज था, क्यों भाटिया साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। उषा जी वजन कर दीजिए पूरा, 75 किलो है कि नहीं? जी पाने जी, उठाई उठाई उठाइए उठाइए, लाइन में मैंने मैं हाथ लगा। आराम से संभाल के, ध्यान से आप संभालिए, बैठा लीजिए इसको, टेढ़ा कर दीजिए थोड़ा, ऐसे ऐसे आराम से, आप इधर आ जाइए ना, बस बस हो गया, बस बस। अरे पाने जी संभालिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बस हो गया। कितना हुआ है? ये तो पूरा 50 किलो है। लेकिन मेरे जीजा जी ने तो 75 किलो भेजा था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारा पिज्जा बनवा दिया? नहीं नहीं मेरे जीजा जी ऐसे नहीं। एक सेकंड, ये देखिए रसीद में भी लिखा हुआ है 75 किलो। ओहो इसका मतलब रास्ते में पूरा 25 किलो गायब हो गया क्या? लगता तो यही है चोरी हो गया होगा। तो किसने किया? अब ये हमें कैसे पता होगा? तो किसको पता है? इसकी तो इंक्वायरी होगी। कौन करेगा? रेलवे पुलिस। कसम बोलती थी आपके रूई चोर को तो धुन धुन के मारूंगा, बस आप ब्यौरा लिखाइए। भाटिया लिखो तो। जी बात यह है कि 10 तारीख को बीकानेर से रूई निकली थी कानपुर के लिए, जब निकली थी तो 75 किलो थी और यहां मिली तो 50 किलो मिली। तो रास्ते में कहीं कोई? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको किस पे शक है? अब मैं किस पे शक कर सकता हूँ सर, अब वहां पे किसने चढ़ाई, पार्सल वैन में से किसने उतारी, मुझे क्या पता, बस मुझे तो मेरी रुई दिलवा दीजिए। हाँ भाई ये सही है, आप जो है ना देना भाटी इस पर साइन कर दीजिए, रसीद हमें दीजिए, पांडे रुई जब्त कर लो। अबे रुई क्यों जब्त कर रहे हैं? अरे भाई जब तक पूरी रुई नहीं मिल जाती ये रुई हम नहीं दे सकते, क्यों शुक्रिया जी? बिल्कुल सही, लेकिन तब तक तो सर्दियां निकल जाएंगी ना, तो रुई का फायदा क्या होगा? यार भरोसा रखो, रजाई पे भरोसा रखो, है जी सॉरी मतलब कानून पे भरोसा रखो। पर रुई मिलेगी कब तक? तहकीकात खत्म होने पर। तहकीकात कब खत्म होगी? गुरुजी पहले तहकीकात शुरू तो हो जाने दीजिए, आप जाइए। मैं तो कब आऊं? रोज आइए, रोज रोज आइए, क्योंकि रुई का मामला ना कभी भी मिल सकता है। अच्छा 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 जी धन्यवाद। क्या है भाटिया रुई कहाँ है? अरे हमें क्या पता, पांडे पांडे जी रुई कहाँ है? 10 किलो तो वहां निकाल ली जहां से चली थी, 10 वहां निकाल ली जहां उतरी थी, और 5 उसने निकाल ली जो लाया था। कौन लाया था? हम लाए थे। अरे यार तुम लोग कितने रेलों को बदनाम कर दोगे क्या? अरे चोरी करना तो फुल प्लेट करो, इंस्टॉलमेंट में चोरी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब तक क्या किया जो करेंगे? वो आएगा तो क्या कहेंगे? वही पुराना जवाब। क्या? इंक्वायरी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कब तक चलेगी? जब तक रुई नहीं मिल जाती। तो रुई कब मिलेगी? अब इंक्वायरी चल तो रही है। एक महीने से इंक्वायरी चल रही है, आप पता लगाएं ना। अरे पता लगे तब तो बताएं। तो पता लगाएं ना। कहां से? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ? तो आप क्या बता सकते हैं? मुझे तो इतना पता है कि भाई मेरी रुई जो है वो चोरी हो गई। ये तो सबको पता है। तो फिर पता लगाएं ना आप। आप ऐसा कीजिए कल आइए। कल? हाँ कल पता लग जाएगा। अब हमें नहीं पता। आप इंस्पेक्टर हैं कि क्या है? अब ये भी नहीं हमें पता। जाने दो यार जाने दो, 25 किलो जाने दो। आप ऐसा कीजिए आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए, मैं समझूंगा कि जीआई ने 85 किलो भेजी थी। हाय बाप, रिपोर्ट लिखवा तो वापस कैसे ले सकते हो? क्यों वापस क्यों नहीं ले सकता? मैं कह दूंगा कि मेरी रुई चोरी नहीं हुई। अरे क्या रेलवे पे जो इल्जाम लगाया वो वापस ले लूंगा ना। मान हानि का दावा ठोक देगी रेलवे आप पे। और इल्जाम तो सही था तो इंक्वायरी हो जाने दो। जाने दो जाने दो प्लीज जाने दो, आपको जो लेना देना है ले लो और मेरी रुई मुझे दे दो। 500? हाँ रुई वापस देने के। तो अपनी रुई में 500 रुपए में खरीद रहा हूँ? अरे गुरु बहुत सस्ती है, बाहर मैंने पता किया 1500 रुपए की है। लाओ चल लाओ, ये लो 500 रुपए। चलो आप उठाओ। ये तो थोड़ा हल्का लग रहा है। अरे कहाँ हल्का है, भारी तो है। नहीं नहीं पिछली बार से तो बहुत हल्का लग रहा है। वजन करिए ना। चलिए रखिए पाने जी आइए, देख लेते हैं ना वापस। आराम से आराम से रखो, हट जाइए एक मिनट छोड़िए। ये 25 किलो है। क्या? नहीं पर पिछली बार तो 50 किलो था ना। चोरी तो नहीं होगा? फिर तो चोरी होगा क्या? हाँ अरे पुलिस के आंखों के नीचे चोरी। हाँ
चिंता मत करिए, इंक्वायरी होगी। पांडे जी आप रिपोर्ट लिखे उठा दी रूई जबाट। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं 25 किलो ले जाता हूँ। नहीं नहीं, क्या आप बात कर रहे हैं भाई साहब, आप हमें सेवा का मौका तो दीजिए। अरे पिछले कितने दिनों से आप मेरी सेवा ही तो कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से। पांडे जी आइए चलिए, बस जैसा भी है बाहर तक छोड़ दीजिए आप, आइए चलिए। आपको क्या लगता है 25 किलो ले जाएगा? ना मुझे तो शक है, मुझे पूरा यकीन है। क्या नहीं ले जा पाएगा? तो हाथ लगा पड़े जी, चलो हर रास्ता दो भाई। ओ एक मिनट क्या भाई साहब? हाँ प्लेटफॉर्म टिकट है मेरे पास। वो तो पता है मुझे। अरे आपको कैसे पता? शक्ल देखकर ही पता चल जाता है किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है। तो फिर रोका क्यों है? ये क्या है भाई? हुई है सर्दियां आ गई है। रजाई गद्दा तकिया सब बनवाओगे? अरे वाह, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है इसे बाहर ले जाकर बेचोगे। अरे नहीं भाई, पर्सनल यूज के लिए है ये। मैं नहीं मानता, सेल्स टैक्स के पेपर्स दिखाओ। अरे सेल्स टैक्स कैसा भाई, क्योंकि सेल करने के लिए थोड़े ले जा रहा हूँ। मैं मानता नहीं ना। अरे आपके ना मानने से क्या होता है? होगा ये कि भाई ये पार्सल प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएगा। क्या कितनी रुई कितनी है? 25 किलो है। अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। 500-700 की होगी? नहीं हाँ होगी। ओके तो फिर CST, LST, OT, MIT सब मिलकर 100 रुपए दे दो, काम हो जाएगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स, लोकल सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये MIT क्या होता है? MIT मेरी चाय। नहीं दूंगा। दे दो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो रुई यहाँ से बाहर जाएगी या तो नहीं जाएगी। जाएगी कैसे और नहीं जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो हम तुम्हें जब्त कर लेंगे या तो रुई को जब्त कर लेंगे। तुम्हें कर देंगे तो तुम छूट जाओगे, रुई को करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो यहाँ से छूटेगी या तो नहीं छूटेगी। छूटेगी कैसे और नहीं छूटेगी तो दो बातें होगी, या तो ये प्लेटफॉर्म पर बड़ी सड़ जाएगी या तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। सड़ गई तो बेकार जाएगी, और मैं घर ले गया तो मैं ले जाऊं। अरे ले जाओ इसको घर, बड़ा आसान होगा तुम्हारा। थैंक यू। बस थोड़ी सी ले लूं इसमें से? थोड़ी सी मतलब कितनी? मतलब इतनी। इसका क्या करोगे, रजाई बनवाओगे? घर जाके बीवी को बताऊंगा। रुई भेजी थी जीजा जी ने। आपको पता है कि आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? यस मैडम। क्यों बुलाया है? डिस्कशन के लिए। किस विषय पे? आई डोंट नो। ओहो, बीमा निगम का नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। ऐसी नौबत रही तो बीमा निगम को अपना बीमा कराना पड़ेगा। गांव में जितने भी जानवरों का बीमा किया है, कुछ दिन के बाद वो सब मर जाते। लेकिन इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो मुझे लगता है लोग अपने जानवर खुद ही मार देते हैं बीमे का पैसा पाने के लिए। यही तो। डॉक्टर शुक्ला आप अपनी जांच फूक फूक कर करें। डॉक्टर शुक्ला क्या है, अभी कोई भी जानवर मरे तो अंदर तक जाकर जांच करें ना। यस मैडम, अब मैं फूक फूक के जानवर के अंदर घुस जाऊंगा। अंदर तक मत जाइए वरना आपकी जांच करनी पड़ेगी। यही तो। डॉक्टर शुक्ला आपके पास जो भी केस आए आप उसके बेस तक जाए और उसका सही फेस दिखाए। मैडम आपकी कसम, डंगल डॉक्टर शुक्ला ऐसा जांच करेगा, ऐसा जांच करेगा। कैसे जांच करेगा? अरे बाप, ये तो सोचा ही नहीं कैसे जांच करेगा। ना भैया आपका बैल एक्सीडेंट में नहीं मरा तो आत्महत्या की होगी। बैल ने? नहीं तो क्या मैंने? तो बैल क्यों आत्महत्या करेगा? भैया डॉक्टर, आदमी आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब बैल आत्महत्या कर लिया होगा। आदमी तो जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करता है। तो बैल भी जिंदगी से तंग आकर के आत्महत्या करता है। ऐसे कैसे तंग आ जाएगा बैल जिंदगी से? वाह बेटा, पूरे दिन उसको खेत में जुटवाओ, फिर कहो कि बैल ओवर टाइम कर, तो बैल लाइफ से नहीं तंग होगा तो क्या आपकी वाइफ से तंग होगा? शुक्ला जी। ना भैया, क्लेम कैंसिल। शुक्ला जी मेरा नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। देखो भैया, तुम्हारा काम हम नहीं कर सकते, पटेल साहब इंस्पेक्टर है, उनके पास जाओ, वही कुछ करेंगे। लेकिन शुक्ला जी। नेक्स्ट बैल। अरे यार अटिया, अगर बीमे के पैसे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे लोन लेके भैंस खरीदी नहीं, वो मर भी गई, अब उसके मरने के बीमे के पैसे हमें मिल जाएंगे तो वही कमाल है, तो धंधा बड़ा अच्छा है यार। सुमत, तुम्हारी जान से प्यारी भैंस मरी है। अरे मरी कहाँ, हम तो नाटक कर रहे हैं। हाँ तो उदास होने का भी नाटक करो, ये इंश्योरेंस वाले बड़े तेज होते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ऐसे ठीक है? इतना ज्यादा नहीं यार, तुम्हारी भैंस मरी, तुम्हारा बाप नहीं मरा है। ऐसे? हाँ ये ठीक है, और याद रहे 50% मेरा है। हाँ, तुम यहाँ पे कोई जानता है? अरे मैं दलाल हूँ, मुझे कोई जाने ना जाने, मैं सबको जानता हूँ, और साले ऑफिस वाले सब एक जैसे होते हैं। अच्छा सुन, कान लाए हो? हाँ, दोनों लाए हो। दोनों क्या? हाँ, एक यहाँ एक यहाँ। अबे अपने कान नहीं, अपनी भैंस का कान जो काटा था। हाँ, वो भी लेके आया हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देख। अरे मेरी भैंस का कान। अबे रो क्यों रहा है, यही 25,000 रुपए भी तो दिखलाएगी। हाँ, ये लगता है। आजा।
ए, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? उधर काम था। काम तो ठीक है, क्या काम है? इसकी भैंस मर गई है। तो तुम क्यों बता रहे हो, उसे बता दो। जी मेरी भैंस मर गई है। ओ, तो यहाँ दाह संस्कार करने आए हो? नहीं नहीं, ये तो क्लेम लेने आया है। तो इसे बता दो। जी मैं क्लेम लेने आया। कितने का क्लेम था? 25,000। अच्छा तुम ही बताओ ना। 25,000 का क्लेम था। कब मरी भैंस? कब मरी भैंस? कल मरी। कल मरी। कैसे मरी? कैसे मरी? बीमारी से। बीमारी से। अरे भैंस किसकी है? भैंस किसकी है? मेरी है। मेरी है। तो बार बार उससे क्यों पूछ रहे हो? अरे क्या है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। कौन? ये आप दोनों बड़े हो? नहीं, वो क्या कि हम दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। चलो जी अब चलिए। हाँ। एक आदमी जाएगा क्या? हाँ तो ठीक है भाई, तुम चले जाओ। भैंस किसकी है? ये मेरी है। तो तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, पांडे जी अकेला सब ना लिपाएगा, बेचारा बहुत दुखी है ये। चिंता मत करो, पटेल सब सवाल लेगा। पटेल? हाँ, हमारे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? तुम्हारी भैंस मर गई है? जी हाँ, कल रात को। कैसे मरी? जी पहले रोई। रोई? नहीं, मतलब हंसी हंसी भैंस। हाँ, उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ साहब, हमको छोड़ के चली गई। ये देखिए, ये मैं उसका कान लेकर आया हूँ काट कर। ओ, ये तुम्हारी भैंस का कान है? जी हाँ। कभी बीमार हुई थी? जी नहीं। कोई बुरी आदत थी? दारू सिगरेट? दारू सिगरेट? जी नहीं। दूध कितना देती थी? एक 5-6 लीटर। दिन भर सोती थी? जी नहीं। रातों को अक्सर रोती थी? जी हाँ। कभी कभी खुश होती थी? हाँ हाँ। ओके, मींस केस टेढ़ा है। जी। और तुम्हारी भैंस की लाश कहाँ है? जी मेरे घर पे है। ठीक है, वो तो हमारे डॉक्टर शुक्ला आएंगे, वो चेक करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल नाम बताओ। मुजद्दीलाल प्रसाद। उम्र? उम्र 45 साल। 45? जी। 45 कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, मेरी उम्र 45 साल ही है। ओ भाई साहब, आपकी उम्र नहीं पूछ रहा था, भैंस की उम्र पूछ रहा था। भैंस की उम्र तो सिर्फ 8 साल थी। और ये नाम लिखवाया मुसद्दीलाल प्रसाद, वो भी आप ही का होगा। जी वो क्या है कि मेरी भैंस का क्या क्या उसका नाम रखा ही नहीं था ना। अच्छा ठीक है, पता बताओ। मुसद्दीलाल प्रसाद, 501 नवी बस्ती। ओके, हमारे डॉक्टर शुक्ला आकर चेक करेंगे। कब? वो तो वही बताएंगे। जानते हो, सुबह से जो है हाथ खर खर खुजली कर रहा है। कर रहा होगा तो कब आएंगे? कहाँ? मेरे घर पे। दावत हुआ था क्या? जी नहीं। तो भैंस मर गई है ना? शोक सम्मेलन में बुलाना चाहते हो? नहीं नहीं, आप देखेंगे ना आके उसे। अरे यार, तुम्हारी बैल मेरी को रिश्तेदार थी क्या? नहीं भाई, आप देखेंगे आके, तभी तो बीमे का पैसा मिलेगा। अच्छा, इंस्पेक्शन करना है। बोलो कब आए? कब आएंगे? कब आए वो तो आप ही बताइए। देखो भैया, इस हफ्ते तो हम थोड़े बिजी हैं, अगले हफ्ते कुछ हो सकता है। हफ्ते के बाद आएंगे भैंस की लाश देखने? और कोई लाश ला सकते हो क्या घर में? नहीं नहीं, और कोई लाश नहीं है, लेकिन भैंस की लाश भाई एक हफ्ते के अंदर तो खराब हो जाएगी। तो क्या करोगे, भैंस की फ्रेश लाश का अचार डालोगे क्या? नहीं, आप इंस्पेक्शन करेंगे ना। एक चीज बताओ, तुम चाहते हो इंस्पेक्शन करने? जी वो झूठ नहीं बोलना। जी नहीं, भैंस नहीं मरी है ना? नहीं नहीं मरी है। ये देखिए उसका कान है, ये कान किसी भी भैंस का हो सकता है? किसी भैंस का नहीं है, ये मेरी ही भैंस का है। तो चलो फिर चलते हैं तब। तो कब आएंगे? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, चलो अभी चल के देख लेते हैं। पर आपने तो कहा था एक हफ्ते के बाद आएंगे। तब हमें शक था। किस बात का? कि भैंस मरी है। और अब यकीन हो गया है। किस बात पर? कि भैंस नहीं मरी है। नहीं मरी है? नहीं मरी है ना? नहीं नहीं मरी है भाई। तो ठीक है, चलो शाम में पता चल जाएगा, आते हैं। तो ठीक है फिर, आइएगा शाम को। जी नमस्कार। नमस्कार। तभी हम कहें हाथ क्यों जो है खर खर खुजली कर रहा है। अरे यार। अच्छा चिंता मत करो, शुक्ला के हाथ की खुजली तो मैं मिटा दूंगा। वो भी खाता है? अरे एकदम लूज कैरेक्टर, खाता है तभी तो जिंदा है। अरे पर करेंगे क्या, भैंस की लाश तो है नहीं, दिखाएंगे क्या? कह देंगे चोरी हो गई। क्या? लेकिन कोई कैसे चुरा सकता है भाई? अरे आपको नहीं पता है, यहाँ तो लोग भैंस का गोबर तक चुरा लेते हैं, आप तो भैंस की लाश की बात कर रहे हो। लेकिन इतनी बड़ी लाश को कौन चुराएगा? खाल बेचते हैं ना, सींग बेचते हैं उसके, आपको पता नहीं है? इसको काट के गोश्त में मिला के लोगों को खिला भी देते हैं। अरे यार, तो इंस्पेक्शन कैसे होगा? अब आप करिए इंस्पेक्शन। अरे भैया किसका? ये देखिए, ये यहाँ पे खूंटा है। हाँ है। यहाँ पे एक जमाने में भैंस बंधा करती थी। ओके। यहीं पे वो भैंस मर गई थी। अब करिए क्या इंस्पेक्शन। किसका? भैंस का। भैंस कहाँ है? है ना? नहीं है भाई। है भाई। अरे भैया नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा ए, ए, अब नजर आ रही है? हाँ हाँ, ये तो पाड़ा है। पाड़ा है? ओ अब कुछ बड़ा हो गया। थोड़ा और बड़ा करवाओ अब। अरे भाई ये तो 8 साल की थी, वो तो 6 साल की अभी। अब हाँ, कैसे मर गई, इतनी तंदुरुस्ती, कैसे मरी, कैसे मरी? मतलब आप रिपोर्ट लिख दीजिए। क्या रिपोर्ट, तुम लोग खुद ही लिख लो यार। अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई। आप ही लिखो। अरे यार इतना पैसा मिला, पान खा के आते, तुम लोग लिख लो, हम साइन कर देंगे। क्या लिखें? कैसे मरी? कौन है? रिपोर्ट किसकी लिखवानी है?
भैंस की? हाँ तो भैंस कैसे मरी? कैसे मरी भाटिया? अब बीमारी लग गई थी। बीमारी लग गई थी, लेकिन कौन सी बीमारी लग गई थी? अब आप डॉक्टर हैं, आप बताइए ना कि कौन सी बीमारी लग गई थी। अरे यार जब भैंस नहीं तो हम इंस्पेक्शन करेंगे तो कैसे बताएंगे? नहीं 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 भाई, डॉक्टर आप हैं, आप तो कुछ भी बता सकते हैं। सुनिए ऐसा कीजिए, लिख दीजिए निमोनिया से मर गई थी। निमोनिया से नहीं, निमोनिया से नहीं, ऐसा लिख दीजिए कि मलेरिया से मर गई थी। मलेरिया? नहीं नहीं नहीं, मलेरिया से नहीं, मलेरिया से नहीं, ऐसा कीजिए कि आप लिख दीजिए ना कि पोलियो से मर गई थी। पोलियो? पोलियो से नहीं तो मतलब कैसा लिख दीजिए, डायबिटीज से मर गई थी। भाई आप पहले सोच लीजिए क्या लिखता है। अरे यार तुम ऐसा करो ना, लिख दो टाइफाइड से मर गई थी। टाइफाइड से मर गई थी, मर गई थी, ये लीजिए अब साइन कर दीजिए। साइन तो भैया जब तक कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं तब तक नहीं होगा जी। चाय समोसे लाओ ना कार के, वो लेके आता हूं। क्या राजा, लूज करेक्टर तुम्हारा यही धंधा है? यस सर यही। अरे यार तब तो ऐसा करो ना, खूब सारे पेशेंट ले आओ, उनको कहो गरीब लोगों को कहाँ धक्के खाते फिरते रहते हैं, डॉक्टर शुक्ला से आके मिलने, एक मिनट में पेशेंट सॉल्व कर देंगे। अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था आप भी मेरी तरह आना जाना लगा रहेगा। सर लाइए लाइए। हाँ जी, तो वो रिपोर्ट कब जमा होगी? बस आज ही सबमिट करवा देते हैं। तो आगे कब जाएगी? अरे आज ही चलवा देंगे। तो कब तक पैसे मिलेंगे? अरे राजा जानी उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, कितना? अरे तो उषा जी ही बताएंगी ना। तो मेरे पास फाइल आएगी तो मैं चेक करूंगी ना। वो फाइल कब आएगी? वो तो शुक्ला जी जब रिपोर्ट जमा कर देंगे, फिर पटेल जी देखेंगे, फिर पांडे जी लाएंगे। तो शुक्ला जी ने तो रिपोर्ट बना दी है। जमा नहीं की है ना। अच्छा, यही तो फिर शुक्ला जी से मिलूं? नहीं, पर तुम तो मुझसे मिलने आए थे ना। पर आप ही तो करिएगा, मेरा काम तो शुक्ला जी से होगा। पर मेरा काम तो तुम्हारे पास है ना। आपका काम? यही तो। ये लो कपड़ा, ये लो पेंसिल, डिजाइन बना दीजो। ये पर मुझे तो डिजाइन बनाना आता नहीं है। मुझे क्या आता है, बस ऐसे ऐसी चिड़िया निकालते जाओ। ये ऐसे? यही तो, और तुम्हें तो आता है। अच्छा, बनाओ बनाओ, तुम शुक्ला की चिंता मत करो, वो रिपोर्ट कर देगा जी। छोटी छोटी निकालो, छोटी छोटी। और महापुरुष जमा करा दी क्या? हाँ। देखा, हम पैसे खा के गद्दारी कर ही नहीं सकते, तुम्हारे भैंस की रिपोर्ट जमा हो गई। पटेल तो कहता है उसके पास नहीं पहुँची। अच्छा, जरूर पड़ेवा दबा लिया होगा। क्या पानी जो है साला, बगैर पैसा खाए फाइल निकालता ही नहीं है। कितने खाता है? 500 रूपए दो, फाइल उड़ के चली जाएगी। 500? हाँ। सिर्फ फाइल आगे ले जाने के? हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा। वो तो नंबर पे ही जाएगी। नंबर पे? हाँ, तुम्हारा नंबर लास्ट है। किसके बाद आएगा? अभी वो आया नहीं है। हाँ। उसके बाद नंबर आएगा। क्या? हाँ। देखो पांडे जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अब 500 रूपए कहाँ से लाके दूँ? बीमे का 25,000 रूपए मिलेगा और खुशी से 500 रूपए नहीं दे सकते। मिल जाए तो ले लेना। दे दो तो मिल जाएगा। मुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं, आप पे विश्वास है, खुद पे नहीं है। क्या? हाँ, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं बगैर खाए काम कर दूँ। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर देता हूँ 500 रूपए, आप अपने पे विश्वास पैदा करो और मेरी फाइल आगे करो। ये बस, आप आगे आगे बढ़ो, पीछे पीछे फाइल बढ़ रही है। तो मैं पटेल साहब से जाके मिलता हूँ। नहीं भाई, पेपर्स पूरे नहीं होंगे तो फाइल आगे कैसे बढ़ेगी? पेपर्स तो पूरे हैं साहब। कहाँ पूरे हैं, भैंस कहाँ से खरीदी इसकी रिसीट भी नहीं है, और बीमार हुई थी, टाइफाइड हुआ था, तो इलाज कहाँ कराएगा, मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है इसमें। क्या? हाँ, इलाज तो हमने कराया ही नहीं। क्यों? अब टाइम ही नहीं मिला हमें। रात को वो रोई, फिर हंसी, फिर टाइम हो गई। ऐसा कैसे टाइम हो गई? अभी तो बोल रहे थे कि टाइफाइड हुआ था, और टाइफाइड में तो बीमारी लंबी चलती है। अच्छा, और शुक्ला जी तो कह रहे थे टाइफाइड ही हुआ था। उसे क्या पता। तो किसे पता? अरे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। वो डॉक्टर ही है ना। कौन बोला? आप ही तो बोले थे। मैं? हाँ वो मैं नहीं, मगर इसकी जाँच होगी भाई साहब। किसकी जाँच होगी? डेड बॉडी की। किसकी डेड बॉडी की? तुम्हारी। नहीं, पर मैं तो जिंदा हूँ। ओ, तब तो गड़बड़ है। क्या? हाँ, ये बीमा किसका लेने आया था? भैंस का। हाँ, तो भैंस की डेड बॉडी की ही जांच होगी ना भाई साहब। वो तो हो नहीं सकती। क्यों? हमने उसका दाह संस्कार कर दिया ना। फिर तो मुश्किल है भाई। क्या? हाँ, आपका केस तो पेंडिंग रहेगा। नहीं, मैं समझा नहीं। अरे समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ, आपने भैंस कहाँ से खरीदी, उसकी रिसीट नहीं है, टाइफाइड हुआ था, अचानक मर गई, और फिर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। ये तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली गड़बड़ है भाई। ये तो पुलिस इंक्वायरी होगी अब। क्या? नहीं, पर क्यों? क्योंकि हमें डाउट है कि आपने अपनी भैंस को मार डाला सिर्फ बीमा की छोटी सी रकम पाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने अपनी भैंस को नहीं मारा। तो किसने मारा? वो खुद ही मर गई। हैं? ऐसे कैसे मर गई? वो तो पुलिस इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। अरे देखिए पटेल साहब, ये पुलिस इंक्वायरी इंक्वायरी छोड़िए, जो बात कर रही है यहीं कर लीजिए। तो सुलझा लें? हाँ सुलझा लीजिए। तो सुलझाओ। कैसे? कैसे कैसे? पैसे। कैसे पैसे? कैसे पैसे? मतलब कितने पैसे? बीमा कितने का था?
25,000 का है। 25,000 हो गए, 25,000 ना 8% था ले अपने 25,000 8% ले 2,000 ₹2,000 और वो केस? वो केस तो सुलझ जाएगा। और टाइफाइड? टाइफाइड तो वही ठीक कराना होगा। ठीक कौन करेगा? शुक्ला और कौन। अब इस दोपहर में क्या ठीक कर दे? टाइफाइड मतलब तुम्हारी भैंस तो मर चुकी है ना। हाँ तो ठीक कर दो। मरी हुई भैंस का? ओ शुक्ला, अरे जिंदा भैंस का तो टाइफाइड ठीक नहीं कर सकते, मरी हुई भैंस का तो कर दो। चलो ठीक कर देते। कहाँ ठीक करना है? यहाँ फाइल में। लो निकालो फाइल में कर देते। ये लो। अरे ये क्या है? पेन। पेन से टाइफाइड ठीक होगा? हाँ। चलो ठीक कर देंगे, लेकिन फीस तो दोगे ना? अरे फीस तो दी थी उस दिन मैंने। अरे वो तो टाइफाइड कराने के लिए था। क्या? और ये टाइफाइड ठीक कराने के लिए। नहीं नहीं दोबारा फीस नहीं दूंगा मैं। नहीं दोगे? ना। पटेल समझाओ भाई। ओ भाई साहब देखो फीस दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो टाइफाइड ठीक होगा या तो नहीं होगा। होगा कहाँ से? और नहीं हुआ तो दो बातें होंगी, या तो आपको क्लेम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलना तो मुश्किल है, और नहीं मिला तो दो बातें होंगी, या तो आप यहाँ के चक्कर लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे। नहीं लगाया तो कहाँ जाएंगे, और यहाँ लगाया चक्कर तो फिर दो बातें होंगी, या तो चक्कर लगाते लगाते बीमार हो जाओगे या तो मर जाओगे। मर गए तो ठीक, मगर चक्कर लगाते लगाते बीमार हो गए तो दो बातें हो सकती है, या तो पोलियो होगा या तो टाइफाइड होगा। पोलियो हुआ तो भी ठीक, मगर टाइफाइड तो दो बातें होंगी, या तो इलाज फ्री में होगा या तो इलाज के 15,000-20,000 लगेंगे। इलाज फ्री में हुआ तो मर गए समझो, और 15,000-20,000 लगे तो फिर ठीक है, 15,000-20,000 का खर्चा करो। मगर यहां 500 रुपए में टाइफाइड ठीक करा रहे हैं, टाइफाइड से मुक्ति दिला रहे हैं, तो वो नहीं कराना चाहते हैं आप? ठीक है भाई कर दो टाइफाइड। हाँ हाँ मतलब ये लो, ये लो, ये मुक्ति दिलाओ मुझे उससे, और ये लो 500 रुपए। ये लो भैया तुम्हारा भाई को टाइफाइड हो गया। अरे भाई शुक्ला मेरी फाइल में एक प्रॉब्लम है कि ये भैंस किस बीमारी से मरी थी। भैया कैसे मरी थी भैंस? अब मुझे क्या पता? वो हार्ट अटैक। क्या? हाँ दिल का दौरा पड़ने से भैंस मर गई। दिल का दौरा मतलब कैसे? मतलब वजह क्या थी? भैंस को बहुत टेंशन हो गई थी। पटेल घी खाने से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और भैंस के दूध से घी बनता है, तो सोचो कितना कोलेस्ट्रॉल होगा भैंस के अंदर। ओके ओके आई थिंक यू आर राइट। हार्ट अटैक लिख दो फाइल में। ये लो भैया तुम्हारे भैंस का डेथ सर्टिफिकेट। अब बीमे का पैसा कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा पटेल? अरे भाई ये तो फाइल उषा जी के पास जाएगी, वहां से हेड ऑफिस जाएगी, फिर फाइल वापस आएगी, तब मिलेगा। तो फिर भिजवाओ ना। अरे ये तो पांडे जी का काम है ना। तो पांडे से बोलो लेके जाए। अरे पांडे बोलने से ले जाते तो क्या बात थी? तो क्या बोलने से ले जाएंगे? पांडे जी। अरे पांडे जी, पांडे जी। अरे ले तो जा रहे तुम्हारी फाइल। अरे पहले मेरा काम करा दो। नहीं नहीं तुम्हारा नंबर 10वां। अरे आप ऐसा करो ना, 10 में से जो सामने 0 होता है वो हटा दो। मतलब मैंने 20 रुपए भी तो दिए आपको। तुम्हारे 10 में से 0 हटाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? मतलब तुम्हारे 10वें नंबर में से 0 हटाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाओगे? एक काम करते हैं, तुम्हारे 20 के आगे लगा देते। तो लगा दो। तो लाओ 180। क्या? अरे 20 के आगे 0 लगाओगे तो कितना हो गया? 200। और 200 में से 20 घटा दो कितना हुआ? 180। तो लाओ। ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ ज्यादा है, तुमने बोला 0 लगाओ, 0 हटाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, निकाल ही लिया 20 रुपए पहले से। ये लो 200। ये लो 20। बोलो अब ये फाइल लेके डायरेक्ट चले जाओ उषा जी के पास। डायरेक्ट? हाँ अभी अभी उन्हें जरूरत है। क्या? सब्जी लेके आई है। क्या? यही तो देख, तू उसे बोल दे वो मेरे साथ बात ना करे, और ना ही मेरे सास के साथ। और नहीं तो क्या, उसी ने तो बिगाड़ा मेरी सास को। आजकल कुछ काम नहीं करती घर में, सारा दिन टीवी देखती रहती है। यही तो। मैडम कट गई। मैडम कट गई? नहीं नहीं मतलब मैडम सब्जी कट गई। ओहो मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी काट लेते हो। मैडम अब फाइल भी आगे बढ़ाते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, बस ये लो हो गया साइन। ये बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो आपके पास ही रखो आप। तो फिर आपको क्या दूं? दिल है तो दे दो। क्या? 6,000। क्या? हाँ आज दो, कल हेड ऑफिस में फाइल जमा होगी। तो रकम कब मिलेगी? अगले हफ्ते आकर ले जाओ। उसे दिलाल ये लो तुम्हारा चेक। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके कहीं मेरी मरी हुई भैंस की आत्मा को जहाँ कहीं भी वह शांति मिली होगी। कौन सी भैंस? वही जो मरी थी। हाँ हार्ट अटैक से जो मरी थी ना। हाँ वही जिसकी लाश नहीं मिली थी। जी 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 वही 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 वही। झूठ बोलते हो?
आपको कैसे पता? मेरा मतलब था कि आपको कैसे पता कि आपके पास भैंस थी ही नहीं। पशु बीमा को बेवकूफ बनाते हो? नहीं, हम क्या बनाएंगे? आप लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत है क्या? मतलब हम पहले से? बेटा हमें सब पता है, ये पैसा तुम फ्रॉड करके ले जा रहे हो। क्या? जब भैंस थी नहीं तो मरती कहाँ से? फिर भी हमने तुम्हें पैसे दिए, क्यों? अब हमको क्या पता? आप चुप, हमको क्या पता? देखिए वो क्या 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 है कि अब गलती हो गई हमसे, आप लोग प्लीज कोई एक्शन मत लीजिएगा। लेंगे एक्शन, लेंगे। क्या? तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? हाँ, तुम्हें दूसरी भैंस को भी मारना होगा। लेकिन दूसरी भैंस तो है ही नहीं ना। अबे पहली कहाँ थी भाई? एक कान और लेकर आओ। कहाँ से? अरे जिस भैंस का पहला कान काटा था उसका दूसरा होगा ना। हाँ, वो तो है, तो वो काट के ले आओ। क्या? हाँ, दूसरी का भी क्लेम दे देंगे। यही तो, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। क्या क्या? अरे भाई आइडिया बड़ा सही लग रहा है। यार वैसे भी मेरी कनकटी जो भैंस है ना, वो एक कान में ना कुछ जम नहीं रही थी। बस तो फिर दोनों कान कर जाएंगे ना तो कुछ जमने लगेगी। हाँ तो जल्दी ले आओ, डाइन तो सीधा दूसरा कान। नहीं मगर दूसरे में कट गया तो किसी और का ले आएंगे। तो उसका भी कट गया तो तीसरी का। हाँ, हिंदुस्तान में जानवरों की कमी है क्या? यही तो, जब तक हिंदुस्तान में जानवर है तब तक एक दूसरे के कान काटते रहेंगे। हाँ, और हम जैसे दलालों के पेट भरते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मगर अगर सारे जानवरों के कान कट गए तो फिर तुम्हारे जैसे इंसानों के काटना शुरू करेंगे। तुम्हारे जैसे इंसानों के काटना शुरू करेंगे तुम्हारे जैसे।